अरे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन ये फिजिक्स में होता है समझे। हाँ ठीक है, होमोलाइटिक फिजन है। ठीक है, देखिए होमोलाइटिक फिजन क्या होता है, सुनो। सबसे पहले बताते हैं होमो का मतलब क्या होता है। तो होमो का मतलब होता है दोस्त आपका सेम, होमो का मतलब होता है इक्वल। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मेरा मिला लाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी के पूरा मीनिंग बता दे, जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर किया जाता हो ना तो उसी को बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन। जैसे हाइयों में देखते हैं जमीन का बंटवारा इक्वल होता है समझे, उसी को बोलते हैं वहां पे होमोलाइटिक फिजन हो रहा है। अब देखिए होमोलाइटिक फिजन का अपना दूसरा नाम है, बहुत सारे बुक में अलग अलग नाम दिए गए दोस्तों। होमोलाइटिक फिजन का दूसरा नाम है आपका होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। इसी का एक और नाम है, इसी का नाम है सर होमोलाइटिक, होमोलाइटिक क्लीवेज, समझे। देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग जानकारी दिए गए, कहीं पे लिखा है होमोलाइसिस, कहीं पे बुक में लिखा होमोलाइटिक फिजन और कहीं लिख दिया होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों चीजें मेरे लिए क्या है, सेम है। अब देखिए इसका स्टोरी में बताते हैं आपको। मान लीजिए ए और बी नाम का दो ठो एटम है, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या मामला होता है, यहाँ पर हम कराने जा रहे सर होमोलाइसिस, होमोलाइसिस। अब यहाँ पे देखिए होमोलाइसिस में आपको पता है सर कि एक, अच्छा बताइए तो एक बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड में छह इलेक्ट्रॉन। देखिए आप आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड को तोड़े तो दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ और दो जो इलेक्ट्रॉन उसको बराबर बंटवारा करना तो एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देंगे और एक इलेक्ट्रॉन ए को दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को दे रहे, देखिए दोस्त इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह एरो की मदद से दिखा रहे, ये आपके सामने नया आ गया। अभी जो बताए थे ये कुछ इस तरह का एरो था, इसको बोलते हैं कंप्लीट हेडेड एरो और इसको बोलते हैं हाफ हेडेड एरो। आप याद दिलाते हैं ना, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल साइन और इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल साइन। अब कोई रिएक्शन देगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। उल्टा बोल दिए, ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये हो गया रिवर्सिबल। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट हेडेड एरो, ये हो गया मेरा हाफ हेडेड एरो। ओके दोबारा खोल दीजिए दोस्त, नंबर को काट दीजिए, बोलो खोल के कम। ठीक है, ए और बी नाम का दो एटम था, दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड को हम तोड़ने जा रहे थे, एक बॉन्ड को तोड़े दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिए हाफ हेडेड एरो की मदद से। यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन बी के पास किया और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चल गया, ए के पास। यहाँ पर हमको जो प्राप्त हो रहा दोस्त हुआ, ए फ्री रेडिकल प्राप्त हो रहा है और बी फ्री रेडिकल। ये जो है दोस्त ये आपका अकेला इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखिए आप पढ़े ना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में। मान लीजिए एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, योग्य पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, योग्य अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जनरल लाइफ की बात किया जाए तो ये शादी शुदा इलेक्ट्रॉन, ये कुंवारा इलेक्ट्रॉन, समझे। यहाँ पे देखिए ये जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन है ना सर, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। बहुत सारा बुक में इसी फ्री रेडिकल को ना लिख के लिखता अल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो आज फ्री रेडिकल लिखा रहे या कहीं बुक में अल्काइल फ्री रेडिकल मिलेगा तो नहीं समझना, गलत है, वो भी सही है आपको कौन से। ठीक है, फ्री रेडिकल ना लिखा हुआ तो कभी कभी इसके बदले लिख देता अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना लिखा रहे तो एक और चीज लिखा रहता ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ओड नंबर में है, इसी के बाद लिखा रहता ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए सर, ए बी नाम का एटम बॉन्ड बनाया, बॉन्ड को तोड़े तो इलेक्ट्रॉन का बराबर बंटवारा हुआ, बराबर बंटवारा होने से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ।
तो होने वाले फिजन को होमोलाइटिक फिजन कहेंगे। तो बताइएगा होमोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। जो इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करे वह कंप्लीट हेडेड एरो की मदद से करे कि हाफ हेडेड एरो की मदद से? और होमोलाइटिक फिजन में फॉर्मेशन किसका होता है? फ्री रेडिकल। हेडिंग कीजिए कॉपी में होमोलाइटिक फिजन, ये हेडिंग देखिए पूरा तेजी से होमोलाइटिक फिजन। हाँ होमोलाइटिक फिजन, स्पेलिंग ऐसे से लिखिएगा। देखिए पॉइंट नंबर वन, अदर नेम, पॉइंट नंबर वन लिखिए अदर नेम, और अदर नेम लिखिए होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज। अदर नेम में लिखिए होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज लिख लिए, लिखिए जल्दी से लिखिए दोस्त। अदर नेम होमोलाइसिस एंड होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया। पॉइंट नंबर टू में आइए, पॉइंट नंबर टू में लिखिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए। पॉइंट नंबर थ्री में आइए, इंडिकेटेड बाय, पॉइंट नंबर थ्री में आइए इंडिकेटेड बाय हाफ हेडेड एरो। हेडेड का स्पेलिंग होगा, हेडेड वाला स्पेलिंग प्रॉब्लम है ना किसी को, पहले हेड लिखिए तो ईडी लगा दीजिए, हेडेड हो जाएगा। इंडिकेटेड बाय हाफ हेडेड एरो, ओके ठीक है दोस्त। इसी हाफ हेडेड एरो को जो फिश हुक एरो भी बोलते हैं, ठीक है, ये जो हाफ हेडेड एरो है ना उसी को बोलते हैं फिश हुक एरो। मछली का जो हुक्का होता है ना, मछली फंसाने वाला कुछ इसी तरह से रहता है, देखे होंगे आप ऐसे रहते हैं। बचपन मछली फंसाने गए थे, गलती सांप फंस गया था, तो ये सब मछली फंसाना छोड़ दिए, फिर कहाँ रहे हुआ है छोड़ दिए, एक ही बार हुआ तो उसके बाद छोड़ दिए काम। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं फिश हुक एरो। पॉइंट नंबर थ्री लिखिए, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक फ्यूजन, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग होमोलाइटिक फ्यूजन लिखिए। फिर ये वाला एग्जांपल लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल में इसको लिखिए आप, अभी जनरल ले रहे हैं, कोई एग्जांपल नहीं लिया अभी, ठीक है, जनरल फॉर्मेट लिए एग्जांपल के, ये वाला फॉर्मेट लिख दीजिए आप। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये जो बॉन्ड है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड है आपका, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में ही आपका होमोलाइसिस होता है हमेशा, आयोनिक बॉन्ड में नहीं होता, चाहे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं होगा। सर ये फ्री रेडिकल क्या होगा कुछ नहीं है? फ्री रेडिकल का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेगा वो फ्री रेडिकल बोलते हैं केमिस्ट्री में। देखिएगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल का दूसरा नाम क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लास 11 में बहुत सारा क्वेश्चन थे इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, दे देता था क्रोमियम, क्रोमियम 2 प्लस देता था, बोलता था इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री में, 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ही नहीं, समझे, पता है ना 11 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक भी चैप्टर नहीं था, सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनिक ही था। इस साल है, इस साल तीनों है, बना लिए बोला। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंडीशन फॉर होमोलाइसिस। अभी देखिए होमोलाइसिस होने के लिए कंडीशन आपको पूछ रहा है, देखिए पूरा बुक में ना से इस तरह का कंडीशन आपको मिलेगा, कब आपको बॉन्ड तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो कब करना है, क्योंकि आप कुछ समय पहले देखे तो वहां इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, समझे, और अभी समय आया कि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए मामला कि कब वो कंडीशन आएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वह ट्रिक है आपका हेल्पर, ये कंडीशन नहीं भूलिएगा दो साल भर। देखिए ए से एल्केन, जब कभी भी आपके पास एल्केन हो ना तो वहां का जो बोन का डिसोसिएशन होगा वह होमोलाइटिक फिजन होगा, जैसे मीथेन, मान लीजिए मीथेन ले रहे,
मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया CH4। अब देखिए इसी CH4 को हम लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड H। तो मीथेन का देखिए ये एल्केन है, तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन एटम के पास जाएगा। ये बॉन्ड तोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन के पास गया, ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये कॉन्सेप्ट पीछे से आ गया है, समझे हम बोलते थे यदि मिथाइल फिर से आ गया ना अब चालू हो गया ना पीछे कभी जितना पढ़ाएंगे सब अब आएगा कॉन्सेप्ट दोस्त, जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसी को बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। इसे मिथाइल अल्काइल लेना इसलिए इसके बोर्ड नाम है अल्काइल फ्री रेडिकल। अब देखिए एल्केन होगा तो वहां पे होमोलाइटी फ्यूजन होगा, एच एच से हो गया आपका हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के रूप में पूरा केमिस्ट्री में आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा चाहे 300 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा, समझे चाहे केल्विन की बात की जाए तो 413 केल्विन रहेगा 443 केल्विन रहेगा, समझे यही सब टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर कहलाएगा। जब हाई टेम्परेचर रहेगा ना ये आपको होमोलाइटिक फ्यूजन वाला केस आएगा, वहां भी बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन। ओके फिर नेक्स्ट कंडीशन है सर ई, ई से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ना। जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे लिखा रहेगा सर एरो के ऊपर, एरो के ऊपर जब कभी इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ रहेगा ना तो वहां का बॉन्ड तोड़िएगा वह होमोलाइसिस की मदद से तोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन सर L4 लाइट, लाइट वाला ये बल्ब वाला लाइट से नहीं टूटेगा बॉन्ड, ये वाला लाइट जो लेना पड़ेगा वो होगा सनलाइट, सूर्य भगवान आज सूर्य का पूजा था ना वही सनलाइट, इसी सनलाइट को यूज करके आपको बॉन्ड तोड़ना, ये भी सनलाइट है सर, एरो के ऊपर लिखा हुआ रहेगा समझे। अब देखिए अगर सनलाइट नहीं होगा ना तो इसके बदले में आपको लेना पड़ेगा अल्ट्रा वायलेट लाइट, हाँ यूवी रे चाहे अल्ट्रा वायलेट लाइट, ठीक है इसी ये आप जानते हो परावैगनी किरण इसको बोलते हैं हिंदी में, यही ओजोन लेयर को डिसोसिएट करने लगा था। नेक्स्ट है सर पी, पी से हो गया परऑक्साइड, होमोलाइटी फ्यूजन होने के लिए नेक्स्ट कंडीशन आपका परऑक्साइड होना चाहिए। रुकिए दोस्त अभी लिखिए नहीं समझिए बहुत कुछ समझा रहे, परऑक्साइड में आपका दो कंडीशन है सर, एक होता है इनऑर्गेनिक परऑक्साइड और एक होता है ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ठीक है। फिलहाल जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ सिर्फ आपको परऑक्साइड ही लिखा रहेगा एरो के ऊपर, दूसरे आपको होमोलाइसिस का यही लिखा रहता है दोस्त एग्जाम में, ये 10 साल से क्वेश्चन पूछा तो सिर्फ परऑक्साइड लिख के पूछा है, परऑक्साइड में फिर ये हिंट विंट नहीं देता है। तो फिलहाल याद रखिएगा दोस्त परऑक्साइड दो प्रकार का है, एक है बेंजोइल परऑक्साइड, ये आपका ऑर्गेनिक परऑक्साइड है, इसी का यूज ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस परऑक्साइड का भी यूज कर लेता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप परऑक्साइड जानते हैं दोस्त हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखिए देखते हुए कान गंदा हो जाता है तो जो डॉक्टर जो केमिकल कान में डालता है ना वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है समझे। कभी भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो एक्सीडेंटल केस में देखिए जहाँ पे हड्डी टूटता है वहाँ पे बहुत सारा धूल मिट्टी सब लग जाता है, चाहे आपको पीच रोड वाला जो पीच है वो भी चल जाता है तो उसको भी क्लीन करने के लिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है समझे। ये क्या करता है डर्टी पार्टिकल को रिमूव करता है। अब देखिए सर ये परऑक्साइड क्या है, यहाँ पे देखिए जब दो ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज हो इसी को बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। अब इस परऑक्साइड बॉन्ड के बगल में हाइड्रोजन लगा दिए ये बन गया हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड राइट साइड ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड लेफ्ट ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब देखिए सर नेक्स्ट केस है आपका आता है बेंजोइल परऑक्साइड, देखिए ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग जो अभी आप देखे थे, अब बेंजीन के रिंग पर लगा रहेगा कीटो ग्रुप, ओके इसको बोलते हैं फिनाइल कीटो ग्रुप, यही बॉन्ड है यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर कीटो ग्रुप जुड़ जाएगा, कीटो ग्रुप के बगल में आ जाएगा आपका बेंजीन का रिंग, यहाँ पर भी कीटो ग्रुप जुड़ जाएगा, कीटो ग्रुप के बगल में आ जाएगा बेंजीन का रिंग,
एक्चुअली याद रखिएगा जो ग्रुप है ना वो ग्रुप में बेंजीन नहीं बना देता है, बेंजीन की जगह पर आपको पीएच लिख देता है, समझे। तो ये भी आपका बेंजोइल परोक्साइड है, याद होगा अगर हम पढ़ाए थे बेंजाइल बेंजल बेंजो, याद है, ठीक है ना। बेंजी से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइली कार्बन, बेंजाइली कार्बन के पास दो हाइड्रोजन रहता था ना तो उसको बोलते थे बेंजाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन रहता था तो बोलते थे बेंजल ग्रुप, और जीरो हाइड्रोजन तो बोलते थे बेंजो ग्रुप, याद आया। अब बेंजो प्लस खाली बोन वाई है तो बेंजोइल ग्रुप की होगी, समझे। अब बेंजोइल ग्रुप है परोक्साइड के साथ, इसे इस कंपाउंड का नाम की बेंजोइल परोक्साइड, यही पे सही थे ये बेंजोइल ग्रुप। अब बेंजोइल में परोक्साइड के पूरे कंपाउंड का नाम की बेंजोइल परोक्साइड, ओके। अब देखिए सर नेक्स्ट के साथ आपका आर, आर से होता है आपका रेडिकल, रेडिकल बोले तो फ्री रेडिकल, मतलब जब कभी भी आपके कंपाउंड में एल्केन लिखा हुआ हो तो समझ लीजिएगा वहां पे हमको होमोलाइसिस करना है। जब कभी भी आपके पास हाई टेम्परेचर हो तो होमोलाइसिस प्रोसेस करना है, इलेक्ट्रिसिटी हो लाइट हो परोक्साइड हो चाहे फ्री रेडिकल हो, तो वैसे केस में वैसे हालातों में आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। लेकिन सर लाइट है ना, लाइट कभी नहीं लिखा रहेगा आपको, लाइट के रूप में चाहे सन लाइट रहेगा चाहे अल्ट्रा वायलेट लाइट, ओके। लिखिए ना कंडीशन फॉर होमोलाइसिस, ये ट्री का फॉर्मूला लिखिए ए हेल्पर और यहाँ पर ए से हेल्पर ए से हाई टेम्परेचर लिखिए।